हेलो एवरीवन गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल न्यू इंडियन एरा पर। और गाइस यहां पर आज मैं आप लोग को चैप्टर नंबर 3 किंगडम प्लांटी जो है इसको आज यहां पे मैं कवर करने की कोशिश करूंगा। गाइस हमने इसके पहले एक पार्ट ऑलरेडी किंगडम प्लांटी चैप्टर नंबर 3 के ऊपर ऑलरेडी हमने देख लिया है, और जिसमें हमने किंगडम प्लांटी के अंदर क्रिप्टो गेम्स के बारे में अच्छे से पढ़ा था। इस वाले पार्ट में हम अपने फेनेरो गेम्स की स्टडी कंप्लीट करेंगे, एंड देन इसके नेक्स्ट वाले पार्ट में अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन की बात हम करेंगे। ठीक है, तो आप देख रहे हो हमारा छोटा सा प्यारा सा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है न्यू इंडियन एरा, एंड माय नेम इज प्रशांत। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो देखो गाइस, आप छोटा सा रिवाइज करा दूं, आप सब मेरी आदत जानते रहोगे कि मैं बिना रिवाइज कराए कभी आगे बढ़ता ही नहीं हूं, चाहे वो रिकॉर्डेड लेक्चर हो चाहे वो लाइव लेक्चर हो। मैं जानता हूं कि रिकॉर्डेड लेक्चर है तो आप पुराना वाला देख ही लोगे, बट स्टिल मैं उसे रिवाइज करके ही चलता हूं। तो जैसे कि आप सब जानते कि किंगडम प्लांटी हमने चैप्टर नंबर 2 में सिस्टमैटिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म में पांचों किंगडम के बारे में अच्छे से जाना था, जिसमें से आज हम किंगडम प्लांटी के बारे में हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 3 में। फिर चैप्टर नंबर 4 में हम किंगडम एनिमेलिया के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, जिस तरह से हम किंगडम प्लांटी के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो किंगडम प्लांटी के अंदर अगर हम बात करें तो हमने देखा था कि किंगडम प्लांटी के अंदर दो पार्ट है, एक क्रिप्टोगैम एक फेनेरोगैम, जिसमें से जो क्रिप्टोगैम है इनके अंदर वही प्लांट आते हैं जिनके अंदर सीड हिडन होता है और इनके पास प्रॉपर रिप्रोडक्टिव सिस्टम वेल डेवलप्ड नहीं होता है। ठीक है, और क्रिप्टोगेम्स के अंदर नॉन वैस्कुलर एज वेल एज वैस्कुलर दो टाइप के प्लांट आते हैं। नॉन वैस्कुलर उसे कहते हैं जिसके पास जाइलम एंड फ्लोएम फूड कंडक्शन और वाटर कंडक्शन के लिए नहीं होता है। आपको मालूम होगा कि जाइलम से पानी प्लांट के अंदर कंडक्ट होता है रूट से शूट सिस्टम तक, शूट सिस्टम मतलब ऊपर का पार्ट प्लांट का। ठीक है, और फ्लोएम से फूड ट्रांसपोर्ट होता है, तो जिसके पास ये रहते हैं ना उसे हम कहते हैं वैस्कुलर प्लांट या वैस्कुलर बंडल वाले प्लांट। तो नॉन वैस्कुलर प्लांट भी क्रिप्टोगैम के अंदर आते हैं और वैस्कुलर प्लांट भी क्रिप्टोगैम के अंदर आते हैं। जो नॉन वैस्कुलर है उनके अंदर दो टाइप, थैलोफाइटा ब्रायोफाइटा, जिनके बारे में हमने डिटेल में पढ़ा था। थैलोफाइटा बेसिकली पानी वाले ऑर्गेनिज्म है, क्योंकि जिंदगी पानी से इवॉल्व होती है ना, तो हमने प्लांट की स्टडी की शुरुआत ही पानी से की है। तो पानी के अंदर थैलोफाइटा है जिसके अंदर तीन टाइप की अलगी आती है, और फिर ब्रायोफाइटा जो एम्फीबियन है, यानी कि प्लांट जो ऐसा प्लांट जो लैंड एज वेल एज वाटर दोनों जगह में रहता है। ठीक है, तो वो ब्रायोफाइटा था, हमने पढ़ा था इसके पहले वाले पार्ट में इस चैप्टर के। ठीक है, और फिर आता है टेरिडोफाइटा जो वैस्कुलर प्लांट है। अब आप ही बताओ ना, जो प्लांट ऑलरेडी पानी के अंदर रहता है उसको उसके पास जाइलम फ्लोएम होके कोई मतलब है? पूरा पानी के अंदर ही प्लांट है। आपने देखा भी होगा समुद्र वगैरह के अंदर, ओशन के अंदर, कि उसी के अंदर ही रहता है प्लांट, पूरे अंदर छोटे छोटे प्लांट होते हैं। तो ऐसे प्लांट के पास जाइलम फ्लोएम हो कि क्या मतलब, उसके पास ऑलरेडी पानी है, पानी में ही घिरा हुआ है, तो उसमें कौन सा पानी कंडक्ट करवाना है? बट जो जैसे आम का पेड़ हो गया, इतने बड़े बड़े पेड़ों में तो भाई पानी की जरूरत बहुत जरूरत है। नीचे से पानी जब लीफ तक जाएगा, पत्तियों तक जाएगा, तभी तो पत्तियां फोटोसिंथेसिस करेंगी ना, समझा अच्छे से। तो टेरिडोफाइटा एक ऐसा प्लांट है जो वैस्कुलर प्लांट है, और सीधी सी बात है कि ये वैस्कुलर है, इसका मतलब ये पानी में नहीं रहता है, क्योंकि वैस्कुलर है इसका मतलब पानी नीचे से ऊपर इसमें ले जाना पड़ता है, यानी ये लैंड में रहता है। सिंपल सा लॉजिक लगाने का, बायोलॉजी बहुत प्यारा सब्जेक्ट है, बस अगर आप लोग लॉजिक लगा लगा के पढ़ोगे ना तो बहुत अच्छे से आपको समझेगा, लेकिन अगर आप उसको जानबूझ के हार्ड बनाने की कोशिश करोगे तो फिर प्रॉब्लम में फंस जाओगे। तो वैस्कुलर प्लांट टेरिडोफाइटा। आज हम पढ़ेंगे फेनेरोगैम्स के बारे में। फेनेरोगैम्स वो होते हैं जिनके पास प्रॉपर रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है। आपने क्लास 10th साइंस 2 चैप्टर नंबर 3 में आपने पढ़ा है हिबिस्कस प्लांट के बारे में। आपने देखा होगा कि हिबिस्कस प्लांट में मेल और फीमेल के दोनों टाइप्स होते हैं, जिसमें से जो मेल है उसके पास भी एंड्रोसियम उसे हम कहते हैं, और उसके पास पोलन ग्रेन एंड ऑल है ना, एंथर वगैरह सब प्रेजेंट था, और फीमेल के पास भी आपने देखा ही रहा होगा कि ओवरी वगैरह प्रेजेंट थी। तो ये सब उसके रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स हैं। तो जिनके पास प्रॉपर रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उसे उन सारे प्लांट को हम फेनेरोगैम्स नाम की कैटेगरी के अंदर रखते हैं। ठीक है, इस बात को आपको समझ के रखना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब फेनेरोगैम्स के अंदर सारे प्लांट वैस्कुलर ही होंगे, क्यों? क्योंकि ये सब लैंड में रहते हैं, और जो प्लांट जमीन में उगते हैं ऐसे प्लांट को नीचे से पानी ऊपर लेके जाना ही पड़ेगा, बिना पानी के वो मर जाएंगे ना, तो उसके लिए इनके पास वैस्कुलर बंडल होगा, यानी जाइलम एंड फ्लोएम होगा। लॉजिक समझ रहे हो ना,
रिपीट कर करके बार बार देखोगे तो याद हो जाएगा सीधा, ऐसा चिंदी तरीके से पढ़ा रहा हूँ, बहुत आसान तरीके से बोलता हूँ, आराम आराम से मस्त तुमको एकदम स्मूथली तुम्हारी गाड़ी को बॉम्बे टू गोवा लेके जाऊंगा। ठीक है, तो वेस्कुलर प्लांट आपको समझ गया होगा। तो वेस्कुलर प्लांट के अंदर दो टाइप है, जिम्नोस्पर्मिक एंड एंजियोस्पर्मिक। उसमें भी एंजियोस्पर्मिक के अंदर डाइकोटिलियन मोनोकोटिलेडॉन्स, ये दो टाइप होते हैं। आप सबको मालूम ही होगा कि ये डाइकोटिलियन मोनोकोटली के बारे में आपने डिटेल में क्लास 9th चैप्टर नंबर 6 में ऑलरेडी पढ़ा है, जाओ वहां पे आपको एग्जैक्टली सेम ही चार्ट आपको वहां पर देखने मिलेगा, डोंट वरी, टेंशन की बात नहीं है। तो चलो हम पहले फेनेरोगैम्स के बारे में जान लो कि फेनेरोगैम्स एग्जैक्टली कॉमनली दे आर मतलब सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट, मतलब इनमें सीड का प्रोडक्शन होता है और इनके पास स्पेशल टाइप का रिप्रोडक्टिव सिस्टम प्रेजेंट होता है। मैंने आपको हिबिस्कस का प्यारा सा एग्जाम्पल दिया था। फिर उसमें से बात करते हैं जिम्नोस्पर्मिक एंड एंजियोस्पर्मिक की। जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट होते हैं ये ट्रू फ्लावरिंग प्लांट है। एंजियोस्पर्मिक प्लांट कैसे होते हैं, ये ट्रू फ्लावरिंग प्लांट होते हैं, मतलब फ्लावर्स इसमें प्रोड्यूस होते हैं, लाइक हिबिस्कस इज द एंजियोस्पर्मिक प्लांट। तो एंजियोस्पर्म उसे कहते हैं जिसमें फ्लावर्स आते हैं। ऐसा नहीं कि जिम्नोस्पर्म्स में फ्लावर नहीं आते, बट दे आर नॉट ट्रू फ्लावरिंग प्लांट, इनमें प्रॉपर फ्लावर्स नहीं आते, इन बातों को आपको समझ के रखना। चलिए अब हम इन्हीं को डिटेल में जानने वाले हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे विद दी जिम्नोस्पर्म। चलो शुरुआत करते हैं जिम्नोस्पर्म के साथ। तो हमने ये सब पढ़ लिया था, हमने इकोनॉमिक कंडीशन, टेरिडोफाइटा सब हमने देखा था। अब हम शुरुआत करेंगे यहां पर देखो जिम्नोस्पर्म के साथ। तो सबसे पहले हम जिम्नोस्पर्मिक चीजों के बारे में यहां पर देखेंगे। तो एग्जैक्टली गाइस जो यहां पर दिया हुआ है कि जिम्नोस्पर्मिक चीजें क्या होती हैं, तो सबसे पहले मैं आप सबको बता दूं कि आपको पता ही होगा कि दुनिया में करोड़ों स्पेसीज है हमारे प्लांट की, इस अर्थ के अंदर करोड़ों स्पेसीज है प्लांट की, आपको इतना तो मालूम ही होगा। तो उसमें से आपने इसके पहले वाले चैप्टर में कैटेगरीज, फाइलम, डिवीजन, किंगडम, डोमेन, ये सब कुछ आपने पढ़ा है। तो जो इंडिया की बात करूं तो इंडिया के अंदर 16 जेनेरा और 53 स्पेसीज जो है, 16 जेनेरा यानी जीनस, आपको पता होगा ना जीनस होता है, स्पेसीज, जीनस, किंगडम, फाइलम, नहीं पढ़ा क्या वो सीरीज चैप्टर नंबर 2 में। तो ऐसे 16 जेनेरा एंड 53 स्पेसीज पूरे इंडिया में जिम्नोस्पर्म के अंदर आती हैं। समझा, मतलब इस बात को समझना। अब जिम्नोस्पर्मिक क्या होता है उसको समझते हैं। इनके अंदर सीड नेक्ड होता है। कैसा सीड होता है, इनके अंदर नेक्ड सीड होता है। और इस ग्रुप को ऐसे यहां पर जरा आपको समझना, 1000 लिविंग स्पेसीज है इनकी और 70 से ज्यादा जेनेरा इस पूरे दुनिया में मिला के पाया जाता है। और सिर्फ इंडिया के अंदर ही 16 जेनेरा और 53 स्पेसीज जिम्नोस्पर्म की हैं। तो इन बातों को आप सबको अच्छे से समझ के रखना है, ठीक है। चलो मेरे को सर्दी हो गई थोड़ा सा, बट स्टिल आई एम रिकॉर्डिंग लेक्चर्स, रिकॉर्ड मैं नहीं चाहता कि तुम पीछे हो जाओ। मेरा शक्ल देख के आपको समझ में आ रहा होगा, मतलब मैं आज बाल वगैरह भी नहीं बनाया है ना, मैंने सोचा चलो बाल वगैरह बना लेते हैं, नहीं बनाया, छोड़ो यार क्या ही है, कौन सा मेरे को हीरो दिखने का। ठीक है, चलो शुरुआत करते हैं। अच्छे तो ग्रहण चलो ठीक है। ठीक है चलो, तो पूरे दुनिया में 70 जेनेरा और 1000 लिविंग स्पेसीज पाई जाती हैं जिम्नोस्पर्म्स की, जिनमें से 16 जेनेरा और 53 स्पेसीज सिर्फ इंडिया में होती हैं। अब आगे बढ़ते हैं, बहुत से ऐसे एवरग्रीन प्लांट्स, वुडी ट्रीज, आपने वुडी ट्रीज आपको दिखा, देखो ऐसे ट्रीज आपने गांव वगैरह में देखे होंगे, ये नारियल का पेड़ का छोटा भाई है, वैसे दिखता है, इसका नाम साइकस है, साइकस, ठीक है। तो नारियल के पेड़ जैसे कटीला होता है, बट ठीक है आप देख लो इसको, समझ जाओगे जो मैं कहना चाह रहा हूं। तो ये ग्रीन होते हैं, मस्त मस्त हरे भरे होते हैं, श्रब्स, वुडी ट्रीज, श्रब्स मतलब जो छोटे छोटे ऐसे है ना, ऐसे होते हैं। और ये इनको लकड़ियां होती है, वुडी लकड़ी बहुत ज्यादा होती है इनमें, ठीक है, इस बात को समझ के रखना। आगे बढ़ते हैं, जो सीड्स होते हैं ये नेक्ड हैं, मतलब कि आपने देखा होगा इनके जो सीड्स होते हैं, आप मैंगो का सीड देख लो, बाहर से पल्प होता है, अंदर सीड रहता है, वो नेक्ड सीड नहीं है, लेकिन ये इनके सीड्स नेक्ड होते हैं। जैसे कि आपने मूंगफली देखा होगा है ना, उसका सीधा सीड रहता है मूंगफली, फिलहाल अंदर रहता है वो भी, ऐसे कोई देखो ना जैसे कि जिसको नेक्ड रहता रहेगा, और आपने बहुत ऐसा देखा होगा जिसको मतलब सीधा वही सीड हो, उसके ऊपर से कोई परत नहीं होनी चाहिए, उसके ऊपर से कोई लेयर नहीं होनी चाहिए, जैसे मैंगो का हो गया, तो बाहर से पल्प रहता है फिर अंदर सीड होती है, तो उसके ऊपर लेयर है, बट यहाँ पे लेयर नहीं होनी चाहिए, वही सीड हमारे कौन होते हैं, नेक्ड सीड होते हैं। नेक्ड मतलब जो खुले हैं, दिखाई देते हैं सीधा, ठीक है। सीड्स आर नॉट कवर्ड बाय फ्रूट्स, जो बाहर का फ्रूट होते, जैसे मैंगो के सीड में बाहर से कवरिंग होती है,
तो इनके सीड्स को बाहर से कवरिंग नहीं होती है जो जिम्नोस्पर्म के अंदर आते हैं, सीड्स आर विजिबल। ठीक है, दे आर वेस्कुलर प्लांट, ऑब्वियस सी बात है लैंड में होते तो वेस्कुलर तो रहेंगे। जैसे कि इसमें लिखा हुआ है जो जाइलम है और फ्लोएम इनमें प्रेजेंट होता है जो वेस्कुलर प्लांट होते हैं। अब देखो जाइलम फ्लोएम भी तो प्लांट के बॉडी का पार्ट है, तो किसी ना किसी सेल से ही बना होगा क्योंकि हर लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल से बनता है। तो जाइलम जो है ये ट्रैकिड नाम के सेल से बनता है, आपने क्लास 9th में इसके बारे में डिटेल में पढ़ा है, 9वीं का पूरा सिलेबस ही है। ठीक है, तो जाइलम आपने जो जाइलम होता है वो ट्रैकिड नाम के सेल से बनता है और जो फ्लोएम ये सीव सेल के नाम से बनता है। आप जाना जरा चैप्टर नंबर 7 और 8 समथिंग में देखना, आपको ये वहां पे मिलेगा। ठीक है, इस बात को समझ के रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो इनकी बॉडी है वो स्पोरोफाइटिक है। अब स्पोरोफाइटिक क्या होता है ये सब नेक्स्ट वीडियो में अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है, मैं आपको अच्छे से बताऊंगा, सेप्रोफाइटिक स्पोरोफाइटिक सब बताऊंगा, अभी मत जानो बहुत कंफ्यूज जाओगे, मैं खुद बताऊंगा तुम्हें, टेंशन मत लो। तो बॉडी स्पोरोफाइटिक होती है बस इतना याद रखो, और इनकी बॉडी रूट स्टेम एंड लीव्स में डिफरेंशिएटेड होती है। मतलब कि आपको सीधा सीधा पता चल जाएगा कि ये रूट है, ये स्टेम है, ये इसका शूट सिस्टम है, ये लीफ है। मतलब जैसे मैंगो के ट्रीज में आप समझ जाते हो कि ये स्टेम वाला पार्ट है, ये ब्रांचेस है, ये हमारा इसका मतलब इसकी लीफ है, ये इसका ये है, इसका वो है। ठीक है, आप जान जाओगे। वैसे यहां पर भी रहता है कि ये पूरी बॉडी इनकी डिफरेंशिएटेड है। जो स्टेम होता है मोस्टली इरेक्टेड। अब ये तो क्या कह रहा है यार, ये हमें पेड़ पौधों के बारे में समझा रहा है, हमको ही मालूम है पेड़ है तो खड़ा ही रहेगा। तो इरेक्टेड मतलब खड़ा होता है, एरियल मतलब ऊपर का पार्ट हवा में रहता है, और सॉलिड हार्ड होता है, और सिलेंड्रिकल इन शेप। क्या सिखा रहा है ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कैम्बियम की बात करते हैं। जो कैम्बियम होता है, कैम्बियम आपने बैम्बू का पेड़ देखा है क्या, बैम्बू, तो बैम्बू के पेड़ के अंदर गांव के बच्चे जानते होंगे, शहर वाले बच्चे तो कुछ नहीं जानते। ठीक है, जो गांव के बच्चे होंगे, जैसे कि मैं भी गांव में पला पढ़ा हूं तो मैं जानता हूं, बैम्बू कैसा होता है, अंदर से उसमें होल रहता है, बैम्बू में अंदर से होल रहता है, वो जो होल है वही है हमारा कैम्बियम। ठीक है, जिसको हम सेकेंडरी ग्रोथ के लिए इस्तेमाल करते हैं, जिसका यूज करते हैं। ठीक है, इस बात को आपको अच्छे से समझ के रखना है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। जो स्पोर होता है वो प्रोड्यूस होता है माइक्रो स्पोरोफिल एंड मेगा स्पोरोफिल। अब आप बोलोगे माइक्रो स्पोरोफिल क्या है एंड मेगा स्पोरोफिल क्या है। जिस तरह से हम ह्यूमन बीइंग के अंदर ओवम होता है फीमेल का एग और स्पर्म होता है मेल का एग, यानी कि रिप्रोडक्टिव सेल या गैमेट्स कह सकते हो, उसी तरीके से माइक्रो स्पोरोफिल ये मेल के अंदर होता है और मेगा स्पोरोफिल ये फीमेल के अंदर होता है। इनकी स्टडी आप क्लास 12th बायोलॉजी चैप्टर नंबर 1 में करोगे। ठीक है, माइक्रो स्पोर एंड मेगा स्पोर के बारे में। तो माइक्रो मतलब मेल वाला, मेगा मतलब फीमेल वाला, मेगा स्पोर मतलब फीमेल का ओवम। ठीक है, और माइक्रो स्पोर मतलब मेल का हो। तो इनके अंदर स्पोर फॉर्मेशन के फॉर्म में पूरी बॉडी डेवलप होती है। यहाँ पे बहुत से एग्जांपल हैं। आप पोटैटो को देख लो, पोटैटो तो खुद एक सीड जैसा ही है ना, पोटैटो खुद एक सीड है, समझ रहे हो, उसका कोई दूसरा सीड होता है क्या, नहीं। तो देख लो आप यहाँ पे देखो, सिलेंड्रिकल रूट्स ऑफ साइकस, मेगा स्पोरोफिल इन साइकल्स, साइकल नहीं। और ये आप सब देख लो ऐसे दिखते हैं, सब रेयर प्लांट है, जल्दी दिखाई नहीं देते। तो इनके आप सीड्स के बारे में एक बार देख लो फोटोज कैसी है, ये सब एग्जाम में आता नहीं है वैसे भी। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है, अगर कोई बंदा साइकस के पेड़ पौधों को अगर अपने घर में लगाता है तो उसको पैसे से क्या फायदा होगा। तो साइकस इज ग्रोन एज ऑर्नामेंटल प्लांट, मतलब कि ऑर्नामेंट यानी गहने, आपको पता होगा गहने बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। और पाइनस इज यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ पाइन वुड एंड टर्पेंटाइन ऑयल एंड पाइन रेजिन। आपको पाइन तो पता ही होगा, तो ये ऑयल बनाने के फॉर्म में भी यूज होता है। इसके ऑयल बहुत महंगे आते हैं, तो जिसके घर में मतलब पाइनस का प्लांट होगा, साइकस का प्लांट होगा, उनकी अच्छी खासी कमाई हो सकती है। अब हम बढ़ेंगे एंजियोस्पर्मी, स्पेलिंग ध्यान देना, एंजियोस्पर्मी ए ई लास्ट में आएगा। ठीक है, ये कोई रॉन्ग स्पेलिंग नहीं, करेक्ट है, एंजियोस्पर्मी। ठीक है, एम के बाद सिर्फ ई मत लगा देना, एम ए ई आएगा। ठीक है, एंजियोस्पर्मी। तो एंजियोस का मतलब होता है इनक्लोज्ड एंड स्पर्मी मतलब सीड। तो जिम्नोस्पर्म में सीड हमारे ओपन थे, नेक्ड थे। ठीक है, लेकिन एंजियोस्पर्मिक के अंदर हमारे सीड इनक्लोज्ड होंगे। जैसे कि मैंगो का प्लांट आपने देखा ही होगा, मैंगो का प्लांट खुद एंजियोस्पर्मिक प्लांट के अंदर आता है। तो इन बातों को आपको समझ के रखना है अच्छे से। तो ये जो एंजियोस्पर्मिक हैं, पूरे विश्व में, सिर्फ भारत में नहीं, पूरी दुनिया के अंदर जितने भी प्लांट हैं, सभी के सभी प्लांटों में से 60-70% प्लांट एंजियोस्पर्मी के अंदर आते हैं, क्योंकि यही वो प्लांट है जिनमें फ्रूट्स होता है, जिनको तुम तोड़ के खा सकते हो। जैसे मैंगो हो गया, गुआवा है, फिर पपीता है,
ऐसे जितने भी प्लांट आते हैं ये सब के सब एंजियोस्पर्मिक हैं, जिनके फ्रूट्स को तोड़ के अंदर से सीड निकाला जाता हो तो उनका सीड इनक्लोज्ड हो गया ना, मतलब वो एंजियोस्पर्मिक है। ऐसे प्लांट को फ्लावर भी होता है। आपने देखा होगा मैंगो के प्लांट को भी एक टाइम पे व्हाइट व्हाइट फ्लावर आते हैं, तब फिर उसमें कैरी लगती है और फिर जाके हमारे प्लांट मैंगो के प्लांट में मैंगो आता है। ऐसे सभी प्लांट्स में फ्लावर आते हैं, तभी हर प्लांट में फ्लावर आते हैं, तब जाके वैसे फ्रूट्स प्रोड्यूस होती हैं। तो मोस्ट एडवांस्ड ग्रुप ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, मतलब ये फ्लावरिंग प्लांट ही इसके अंदर आएंगे, बट बहुत ज्यादा एडवांस ग्रुप इसके अंदर होता है, बहुत एडवांस हाईली इवॉल्व प्लांट है ये। जो सीड्स होते हैं ये इनक्लोज्ड होते हैं, मैंने बता दिया ना कि सीड्स इनक्लोज्ड रहेंगे। हाईली एडॉप्टेड टेरेस्ट्रियल प्लांट, मतलब कि इन्होंने बहुत ज्यादा अपने आप को अडॉप्ट किया है माय डियर फ्रेंड्स, मतलब ये बहुत ज्यादा हाईली अडॉप्टेड प्लांट हैं, मतलब इन्होंने अपने आप में बहुत डेवलपमेंट किया है। ये अर्थ के अंदर सबसे हाईली इवॉल्व्ड प्लांट हैं, मतलब इनके बिना तो हम भी जिंदा नहीं रह सकते, इतने इवॉल्व्ड हैं ये, हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्लांट हैं। तो टेरेस्ट्रियल मतलब लैंड वाले प्लांट। शोज हेट्रोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, ये हेट्रोमॉर्फिक होमोमॉर्फिक क्या है अगले वीडियो में समझेगा आपको, कुछ चीजें आगे के लिए भी छोड़ दिया करो, अभी याद कर लो बस कि ये हेट्रोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन दिखाता है, जो कि डिप्लॉइड डोमिनेंट ऑटोट्रॉफिक इंडिपेंडेंट, ये सब क्या है अगले वीडियो में पता चल जाएगा आप लोग को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। गैमेटोफाइट आर रेसेसिव हैप्लोइड एंड डिपेंडेंट ऑन द स्पोरोफाइट। रेसेसिव का मतलब ऐसी चीज ऐसे करेक्टर जो विजिबल नहीं होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो मेरे दादाजी के हेयर कर्ली हेयर थे और मेरे हेयर कैसे हैं, एकदम स्मूथ हैं, आप देख सकते हो मेरे हेयर एकदम स्मूथ हैं, ठीक है। तो मेरे हेयर एकदम बहुत ज्यादा स्मूथ हैं, तो मेरे दादाजी के कैरेक्टर्स मेरे अंदर आए क्या? लेकिन मेरे दादाजी की हाइट बहुत ज्यादा थी, तो मुझे देख कैसे मेरी हाइट को जज मत करना, इंस्टाग्राम में जाओ तुम्हें मेरी हाइट का पता चलेगा, 6 फीट से तो ऊपर ही है, ठीक है। तो मेरी हाइट ज्यादा है, तो मेरे दादाजी के जो हाइट वाली कैरेक्टर है वो मेरे अंदर आ गया, मतलब मैं डोमिनेंट कैरेक्टर वाला हूँ हाइट के लिए। लेकिन कर्ली हेयर के लिए मैं रेसेसिव हूँ, उनके कैरेक्टर मेरे अंदर नहीं आ पाए, आए लेकिन छुप गए, रेसेसिव मतलब छुप जाना, हिडन है, विजिबल नहीं हुए, विजिबल तो स्मूथ वाले हो गए, ठीक है। इस बात को आपको समझना है अच्छे से, चलो। तो इसे रेसेसिव कहते हैं। तो हैप्लोइड एंड डिपेंडेंट ऑन द स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट क्या है नहीं पता चलेगा। दे आर हेट्रोस्पोरस, हेट्रोस्पोरस का मतलब होता है डिफरेंट डिफरेंट टाइप के स्पोरोफाइट्स इनमें प्रोड्यूस होते हैं, लाइक माइक्रोस्पोर मेगास्पोर। आपको पहले ही बोला था कि माइक्रोस्पोर मतलब पॉलन पॉलन ग्रेन और मेगास्पोर मतलब एग जो फीमेल के पास होता है, तो फीमेल पार्ट गाइनोसियम के पास रहता है ये, और जो माइक्रोस्पोर है ये मेल पार्ट है जो एंड्रोसियम के पास रहता है ये। हम इसकी स्टडी चैप्टर नंबर 1 रिप्रोडक्शन इन प्लांट, रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर प्लांट चैप्टर नंबर 1 क्लास 12th बायोलॉजी में पढ़ेंगे, बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। याद इसको लिख लो कहीं भी, क्लास 12th, ठीक है, ये लाइन आप पढ़ोगी। चलो समझ गया अच्छे से मैं क्या कह रहा हूँ, इस बात को ध्यान देना। अब हम बात करेंगे, जैसा कि आप सब जानते हो कि यहाँ पे जो हमारे प्लांट थे एंजियोस्पर्मिक प्लांट हैं, ये हाईली इवॉल्व्ड फ्लावरिंग प्लांट हैं, और टेरेस्ट्रियल प्लांट में सबसे ज्यादा इवोल्यूशन इन्होंने किया है, बहुत अपने आप को मजबूत बना लिया है, बहुत अडॉप्ट इन्होंने अपने आप को कराया है, ठीक है। ये एंजियोस्पर्मिक प्लांट, इनके अंदर सीड इनक्लोज्ड होता है, और जिम्नोस्पर्मिक के अंदर सीड इनक्लोज्ड नहीं होता। जिम्नोस्पर्मिक वूडी प्लांट है, एंजियोस्पर्मिक भी वूडी प्लांट है। अच्छा, अब एंजियोस्पर्मिक के अंदर दो इंपॉर्टेंट है, डाइकोटिलेडोनी एंड मोनोकोटिलेडोन। अब इसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, तो चलिए फिर जानते हैं कि ये डाइकोटली और मोनोकोटली क्या होता है, ठीक है। यहाँ देखो अच्छे से, डाइकोटली, डाय का मतलब होता है टू, डाय का मतलब होता है टू, तो डाइकोटिलेडोन मतलब की हैविंग टू कोटिलेडोन इन देयर एम्ब्रायो। अब एम्ब्रायो क्या होता है कि जब हमारा मेल गैमेट और जब हमारा फीमेल गैमेट दोनों मिल करके एक जायगॉट बनाते हैं, और जायगॉट से फिर हमारा वो एम्ब्रायो बनता है, तो दिस इज द एम्ब्रायो। तो इस एम्ब्रायो के पास यहाँ पे कोटिलेडोन सिर्फ दो होते हैं, इस बात को आपको ध्यान देना है। तो जिसके पास दो कोटिलेडोन है, आखिर कोटिलेडोन क्या होता है, देखो मैं आपको बताता हूं। आपने चना देखा होगा, चना कुछ ऐसा होता है, देखो चने के दो पार्ट होते हैं, आप देख लेना चाहिए, आपके घर में अगर चना होगा तो आपके पास देखा होगा, चने मेरे को बनाने नहीं आ रहे यहाँ पे, अब मैं चना आपको पता है ना, चना 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 खाते हो चना, ठीक है, तो उसको मुझे यहाँ पे डायग्राम बनाने नहीं आ रहा है, बट आप अगर उसको बीच से फाड़ोगे तो दो बन जाएगा। अगर आपने किसी प्लांट को लगाया है मिट्टी में और वो बड़ा होकर के और कुछ ऐसा हो गया तो ये डाइकोटिलेडोन है। अगर कोई कोई प्लांट लगाया आपने सीधा तो वो सिर्फ ऐसा ही सीधा बड़ा होता है,
तो वो मोनोकॉटलीडॉन है। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि जो सनफ्लावर है इसमें ऐसी ग्रोथ होती है, तो वो डाइकॉटलीडॉन प्लांट है। और देखो यहां पे देख लो, ये सीधा मक्का होता है ना गांव में, महाराष्ट्र में तो मक्का बहुत होता है, तो ये ऐसा सीधा ग्रो करता है। आप इसके प्लांट को देखो ना, ऐसा सीधा सीधा, ठीक है। तो ये मोनोकॉटलीडॉन है, इसमें दो कॉटली ऐसी वाली नहीं होती, एक ही कॉटली रहती है, ठीक है। चलो भाई अब आपको प्रैक्टिकल समझा दिया, इसका मीनिंग कोई डेफिनेशन नहीं है कि व्हाट इज कॉटलीडॉन, ठीक है। मतलब एक ऐसा फील है ये, जिसको मैंने आपको प्रैक्टिकली समझाया है कि आखिर कॉटलीडॉन होता क्या है। तो डायकॉटलीडॉन के अंदर दो कॉटलीडॉन होते हैं, स्टेम जो होती है ब्रांच। अब ऐसे वाले प्लांट में शुरू से दिख गया कि भाई इनमें ब्रांचिंग आ रही है, समझ रहे मैं क्या बोल, इनमें ब्रांचिंग आ रही है, ऐसे में ब्रांचिंग आ रही है, ठीक है। तो स्टेम जो होते हैं वो ब्रांच होते हैं, पक्का ब्रांच रहेंगे, इनको पत्तियां भी होंगी, लीफ भी रहेंगी, लेकिन लीफ जो होगी वो रेटिकुलेट होगी। रेटिकुलेट का मतलब क्या है कि जो पत्तियां होंगी, पत्तियों में ऐसी पत्तियां होंगी इनकी, और इनमें ऐसा ऐसा वेनेशन रहेगा, ठीक है। मतलब समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं, ऐसे ऐसे वेनेशन, ऐसे ऐसे रहेगा ये, ऐसा ऐसा जैसे मैंगो के प्लांट में होता है, सबके प्लांट में होता है, तो ऐसी रेटिकुलेट वेनेशन, वेनेशन मतलब ये वेनेशन है ये, इसे हम वेनेशन कहते हैं, ठीक है। ये वेनेशन ऐसे रेटिकुलेट रेटिकुलेट रहेगा, फ्लावर करेगा टेट्रा और पेंटामेरस सिमेट्री। ये पेंट्रामेरस और टेट्रामेरस क्या होता है, देखिए जैसे कि एक फ्लावर है मान लो, तो एक फ्लावर है मान लो, तो फ्लावर में एक ऐसा एक ऐसा एक ऐसा, तो ये जो दिख रहा है ना इसी को तो हम कहते हैं, अगर मान लो तीन है तो ट्राइमेरस है, एक और आ गया तो टेट्रामेरस है, एक और आ गया तो पांच हो गया ना, तो पेंटामेरस हो गया। तो मेरस मतलब होता है फॉर्म, पेंटा मतलब पांच, टेट्रा मतलब चार, तो या तो टेट्रा या तो पेंटामेरस, ऐसी सिमेट्री होती है फ्लावर की। वेस्कुलर बंडल इनमें प्रेजेंट होते हैं, इतना ध्यान रखना, और कैम्बियम भी प्रेजेंट है, मतलब अंदर से होल है, जैसे कि एक बैम्बू के पेड़ में अंदर से होल होता है, अंदर से होल रहता है, तो वैसे ही इनमें भी कैम्बियम प्रेजेंट है। तो ये आप प्लांट देख लो अच्छे से, इनके देखो आप लीफ देख के ही आपको समझ में आ रहा होगा कि ये रेटिकुलेट वेनेशन है इनमें, ठीक है। और ये सीधा सीधा है, इसके अंदर से कैम्बियम भी होगी, इनके बढ़िया बढ़िया फ्लावर होते हैं, इनकी सीड्स भी अच्छी अच्छी होती है जो कि इनक्लोज्ड होती है, और इनके स्टेम भी हैं, ठीक है, इनको रूट भी है। तो ये सब कुछ आपको अच्छे से यहाँ पे समझ के रखना है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्लियर हो गई बातें यहां तक आप लोगों को, सभी लोगों को। चलो अब हम बात करेंगे मोनोकॉटलीडॉन की, आखिर ये मोनोकॉटलीडॉन क्या होता है। तो प्लांट जो है सिंगल कॉटलीडॉन वाला रहेगा। अब देखो एग्जैक्टली इसका अपोजिट आपको मिलेगा, यहां रेटिकुलेट है तो वहां पैरेलल मिलेगा, देखना। तो प्लांट है सिंगल कॉटलीडॉन, दे आर इन देयर एम्ब्रायो, दे हैव एडवेंटिशियस रूट एंड स्टेम इन रेयरली ब्रांच, रेयरली ब्रांच, रेयरली ब्रांच का मतलब होता है कि जिनको ब्रांचिंग हो ही नहीं सकती, क्योंकि ऐसी ब्रांचिंग कभी पॉसिबल नहीं है इन सिंगल मोनोकॉटलीडोनस में, ठीक है। मोनो का मतलब ही होता है सिंगल, ठीक है, इनमें कभी भी रेयर ब्रांच बहुत कम होता है, हो गया तो समझो कि ऐसा नहीं कि क्यों नहीं है, हो भी सकता है बट बहुत रेयर है, ठीक है। जो लीफ होती है वो बहुत शीदिंग लीफ बेस पैरेलल वेनेशन के साथ, आप देख सकते हो यहाँ पे जो लीफ होती है ना इनमें, देखो कैसा ये लीफ आप देख लो कैसी है यहाँ पे, ठीक है। इनके लीफ कुछ ऐसे होती है, मतलब इस तरीके से, ये ऐसी लीफ होती है, आपने ऐसी लीफ वाले प्लांट बहुत से देखे भी होंगे, ठीक है, ऐसी लीफ होती है। आप यहाँ पे देखो ना इनकी लीफ कैसी है, समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ। तो इनकी देखो जैसे कि मान लो अगर ये लीफ है, और अरे भाई ये मान लो लीफ है, तो इनके अंदर ऐसे वेनेशन होगा, ऐसा वेनेशन होगा, ठीक है। और इसके पहले वाले में कैसा था, ऐसा वेनेशन था, ऐसा वेनेशन था। तो ये रेटिकुलेट है, जो ऐसा बनाया ना अभी, ये पैरेलल वेनेशन है, ठीक है, ये बात ध्यान देना। तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है कि इनमें पैरेलल वेनेशन होता है, ठीक है। और ये फ्लावर ट्राइमेरस होते हैं, मतलब कि इनके फ्लावर ट्राइमेरस का मतलब है कि अगर मान लो ये एक फ्लावर का ये तीन हो गया, नहीं कि वो फ्लावर का जो पंखुड़ियां होती हैं ऊपर, उसी की बात करो, कोरोला जिसे कहते हैं वही। तो ट्राइमेरस मतलब तीन मेरस। वेस्कुलर बंडल कॉन्जॉइंट है, कोलेटरल और क्लोज्ड होते हैं, उनमें ओपन था, देखो ना यहाँ पे लिखा है ओपन टैप, ओ कहाँ गया, ये देखो इसमें लिखा है ना ओपन टैप, ठीक है, आगे बढ़ो। सेकेंडरी ग्रोथ इज अब्सेंट, इसमें सेकेंडरी ग्रोथ होती है, इसमें सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती। सेकेंडरी ग्रोथ का मतलब होता है कि इनके अंदर जो पूरा बॉडी है, पूरा स्ट्रक्चर तरीके से ग्रीन ग्रीन अच्छे से डेवलपमेंट होना, तो वो इनमें होता नहीं है, ठीक है, इनमें होता है, आप देख सकते हो ना फ्लावर वगैरह मस्त कलरफुल दिख रहा है सब कुछ। तो ये बात आपको समझ के रखनी है। तो गाइज यहां तक हमने कंप्लीट आज पढ़ लिया है, नेक्स्ट लेक्चर में जो जो मैंने बोला ना कि नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, तो ये प्लांट लाइफ साइकिल एंड अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, ये सब कुछ मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा,
जो कि अभी बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। इसको समझाने के लिए सबसे पहले आपको बेसिक्स बताऊंगा एंड देन उस बेसिक्स के बाद ही आप इस चैप्टर को आगे समझ पाओगे, वरना नॉट पॉसिबल, मतलब कभी पॉसिबिलिटी ही नहीं है कि आप इस चैप्टर को फिर समझ पाओगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बेसिक्स बताऊंगा एंड बेसिक्स के बाद मैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पढ़ाऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में। तो मतलब इस थर्ड चैप्टर के तीन पार्ट बनेंगे, पहला पार्ट हो गया, ये दूसरा पार्ट था, तीसरा पार्ट हमारा आ जाएगा। ठीक है, तो गाइस हम मिलेंगे नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए यहाँ पे बाय बोलना पड़ेगा। माय नेम इज प्रशांत एंड आप देख रहे थे न्यू इंडियन एरा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक्स अ लॉट, बाय बाय, टेक केयर।